रात गए तालियां बजा रही हो। अरे तालियां नहीं बजा रही हूँ बाबा, मच्छर मार रही हूँ। हाँ तो जरा आहिस्ता मारो ना। अच्छा जी, आहिस्ता मच्छर कैसे मारे जाते हैं जरा सिखाएंगे मुझे? तुम क्या चाहती हो कि मैं इतनी रात गए यहाँ मच्छर मारने की क्लासेस खोल लूँ? तो फिर हुजूर की सलामत दिया करो। ठीक है तो चलने दो तुम्हारा कव्वाली का कार्यक्रम। कव्वाली? और क्या, ये तालियां बजा बजा के गाने को और क्या कहते हैं? तुम जैसा नैगिंग हस्बैंड ना मैंने कहीं दुनिया में नहीं देखा। सो जाओ चुपचाप, सुबह रीटू से कहकर पेस्ट कंट्रोल करवा लेंगे। कराना ही पड़ेगा, कॉकरोच और छिपकलियां भी बहुत हो गए। हाँ बहुत हो गई हैं, हर तरफ हो गई हैं, वार्डरोब में, फोटो फ्रेम के पीछे, बिस्तर में। वैसे तो आज मैंने बाथरूम में चूहा भी देखा था। चूहा? हाँ, बाद में पता चला बाथरूम में तुम हो। अरे डैडी, गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग बेटा। आइए डैडी, आप बैठिए, मैं मम्मी को जगाता हूँ। हैं? मतलब मम्मी अभी तक सो रही हैं? रोहन तुम? रितु तुम अभी तक सो रही हो? क्या करूं, सारी रात मच्छर मारने में गई, अभी तक हैं। और डैडी आपको पता है रात मेरे बिस्तर में कॉकरोच है? नाना जी को कॉकरोच नहीं कहते? रोहन डाली में मजाक कर रहा था। ये मजाक का नहीं, पेस्ट कंट्रोल का वक्त है। अरे सासुमा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गया भाड़ में? इतने साल हो गए इस घर में पेस्ट कंट्रोल तक नहीं कराया तुमने। अरे सासुमा अगर पेस्ट कंट्रोल कराऊंगा तो आपको यहाँ से जाना पड़ेगा ना। देख तेरा पास्ट हस्बैंड क्या कह रहा है। जी नहीं, ये कोई मेरा पास्ट हस्बैंड नहीं है, ये तो मेरा पेस्ट हस्बैंड है। डार्लिंग कैसी बात कर रही हो तुम यार? और नहीं तो क्या, जब से उस चुड़ैल से तुम्हारी शादी हुई है ना तो तुमने घर की मरम्मत कराई है ना पेस्ट कंट्रोल कराया है। ओके 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 बाबा, इस सैटरडे संडे पेस्ट कंट्रोल करवा लेता हूँ, तुम लोग दो दिन के लिए पूना चले जाओ। ओके, लेकिन फिर मेरी पढ़ाई का क्या होगा? मेरे तो एग्जाम करीब आ रहे हैं, मैं फेल हो गया तो सब लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? कि इसका डैडी इसके पास नहीं है ना, इसलिए बिट्टू फेल हो गया। पास हो गया, पास हो गया, नाटक कर रहा है, छोड़ो इसे, जानता हूँ कितनी पढ़ाई करने वाला है तू। चल कोई बात नहीं, जब तक पेस्ट कंट्रोल नहीं होता ये हमारे साथ रहेगा। हाँ। ए, नाचने की जरूरत नहीं है, हमारे साथ रहेगा का क्या मतलब? अरे मतलब रिंकू के घर। नहीं नहीं, बिट्टू सौतेली माँ के घर नहीं जाएगा। अरे एक मिनट मम्मी, एक मिनट मम्मा, समझा करो, उस चुड़ैल को बीच बीच में इस तरह की सजा मिलनी चाहिए, है ना? समझा करो। डार्लिंग जल्दी वंडरफुल। या आई नो बट डार्लिंग एक मिनट, वो बिट्टू भी मेरे साथ आया है। बिट्टू? हाँ आंटी मम्मी। आंटी मम्मी? हाँ, पहले आप मेरी आंटी थी, डैडी से शादी करने के बाद आप मेरी मम्मी बन गई, इसलिए आंटी मम्मी। Very smart. क्या मैं पूछ सकती हूँ ये टपोरी हमारे यहाँ क्या कर रहा है? इसने अभी तक कुछ किया नहीं है डार्लिंग, अब करेगा। क्या? स्टडी, स्टडी, स्टडी? हाँ। मैंने यहाँ कोई स्टडी रूम खोल रखा है क्या? बेटा जाओ जाओ जाओ, अंदर जाके पढ़ाई करो, जाओ। नहीं, पहले तो मैं कुछ खाऊंगा। खाऊंगा? बच्चा भूखा है डार्लिंग, थोड़ा बहुत खाएगा तो क्या होता है। देखो क्या हुआ है ना डार्लिंग, वो रितु के यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम? हाँ। क्या वो माँ बनने वाली है? अरे नहीं, मेरी माँ। माँ? सॉरी सॉरी, देखो डार्लिंग क्या है ना, रितु के यहाँ पेस्ट कंट्रोल चल रहा है। अच्छा, तो इसलिए उसने ये पेस्ट यहाँ छोड़ दिया है? नहीं नहीं नहीं, रितु ने बिट्टू को यहाँ नहीं छोड़ा है, मैं इसे यहाँ ले आया हूँ। अरे क्योंकि रितु जो है अपने माँ बाप के साथ पुणे जा रही है, और तुम ही बताओ डार्लिंग, देखो अगर बिट्टू उनके साथ चला गया तो उसके स्कूल का क्या होगा, है ना? लेकिन अगर वो यहाँ रहेगा तो मेरा क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा बाबा, वो तो बहुत ही शांत बच्चा है, ही इज अ डिसिप्लिन चाइल्ड। शांत? हेलो। हाय, हाउ आर यू? नहीं, मैं अपनी सीट पे नहीं हूँ, मैं तो अपने बॉस के कैबिन में हूँ, वही हैंडसम बॉस, माइंड ब्लोइंग, नो चांस, क्योंकि उसकी तो पहले से ही विकेट गई हुई है। हाँ, सिर्फ शादीशुदा नहीं, डबल शादीशुदा, इसीलिए जरा थका हुआ लगता है। अब पता है क्या हुआ, परसों लिफ्ट खराब हो गई थी तो मेरा सहारा लेके सीढ़ियां चढ़ा है, वैसे कभी कभी मेरी आंखों में आंखें डाल के देख लेता है। मैं पीछे से सुन रहा हूँ।
पीछे से कैसे देख सकता है? पीछे से सुन रहा हूँ मैं। सॉरी सर, वो क्यों आशा? मेरे पीछे मेरे बारे में किसे बंडल मार रही थी तुम? सर नहीं, वो तो मेरे एक अंकल है, मैं उनके बारे में बोल रही थी सर। ओह, तो तुम्हारे अंकल थकेले हैं? वो सर आपको चेयरमैन साहब बुला रहे हैं। अरे छोड़ो उसे, मुझे ये बताओ कि परसों जब लिफ्ट बंद थी तब तुम्हारे कंधे का सहारा लेकर तुम्हारे अंकल सीढ़ियां चढ़े थे? नहीं नहीं सर। और तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर कौन देखते हैं? तुम्हारे अंकल? सर चेयरमैन साहब। क्या तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर चेयरमैन साहब देखते हैं? उनकी तो मैं नहीं सर, फिलहाल चेयरमैन साहब आपके पीछे खड़े होके आंखें दिखा रहे हैं। क्या कह रही हो तुम? वो भी है। अरे सर क्या सर, पीछे से चोरी छिपे सुनने की गंदी आदत गई नहीं आपके? सॉरी, आप सर कब से मेरे पीछे खड़े हैं? सर जब से आप अपनी इस खूबसूरत सेक्रेटरी के कंधे पे हाथ रख के ऑफिस की सीढ़ियां चढ़ रहे थे तब से। अच्छा तब से? सर सर आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, प्लीज प्लीज बैठिए। नहीं 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 मिस्टर रोहन, मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आया हूँ। तो खड़े रहिए। किस लिए आए हैं सर? वेल, आज शाम को एक बहुत ही अट्रैक्टिव लेडी क्लाइंट के साथ मेरी मीटिंग नाज इंटरनेशनल में है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज मेरी वाइफ का बर्थडे है। अच्छा सर, कितना बर्थडे उनका? क्यों, तुमसे क्या? सर केक पे लगाने के लिए उतनी मोमबत्तियां मैं आपको गिफ्ट करना चाहता हूँ सर। अच्छा यस सर। इतनी सारी मोमबत्तियां अगर हम जलाएंगे ना तो ऐसा लगेगा कि घर में आग लग गई है। क्यों सर? शी इज इन हर 50s यू नो। 50 मोमबत्तियां सारे से ज्यादा हो जाएगी। हाँ, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि आज मेरे बदले उस मीटिंग को तुम अटेंड करोगे। नहीं नहीं सर सॉरी, आई कांट गो। सॉरी। क्यों? देखिए सर, मेरी पहली बीवी जो है मैकी गई हुई है, मेरा बेटा दूसरी बीवी के पास है। अगर दूसरी बीवी मैं टाइम पे घर नहीं गया तो मैकी चली जाएगी सर, इसलिए मैं अपने बेटे को भेज दूं। छेड़ा। सर्टनली नॉट, फॉलो ऑर्डर्स। कमाल है, सर्टनली नॉट बोल के एक्सक्यूज करके खुद ही चले गए। हेलो रोहन, तुम फौरन घर आ जाओ और अपने लाडले बेटे को यहाँ से ले जाओ। अरे अब क्या किया उसने? और कोई चीज तोड़ी क्या? अब तोड़ने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। अरे डार्लिंग प्लीज डोंट वरी, वो सब मैं तुम्हें दिला दूंगा रीटू से। ओके नहीं, तुम उसे अभी यहाँ से ले जाओ, वो मुझे बहुत परेशान कर रहा है, प्लीज। नहीं डैडी, मैंने तो आंटी मम्मी को सिर्फ अपना होमवर्क लेने को कहा था। क्या रिंकू, तुम भी सिर्फ होमवर्क लेने के लिए कह रहा है बेचारा, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? तुम नहीं जानते उसका क्या होमवर्क है। क्या है? सारे स्टूडेंट्स को कोई ना कोई रेसिपी बना के लेकर आना है और इसे मिला है वेजिटेबल पुलाव। अच्छा जरा उसे फोन देना। हाँ लो। हाँ यस डैडी। ओके यस, ओके बाय डैडी। बाय बेटा। आंटी मम्मी, आपका होमवर्क कैंसिल। क्यों, क्या कहा तुम्हारे डैडी ने? कुछ नहीं। अरे बताओ ना। बोले कि पुलाव बनाने वाला होमवर्क अपनी आंटी मम्मी से कराओगे तो फेल हो जाओगे। हाय डार्लिंग, क्या बात है, बड़ी खूबसूरत लग रही हो आज। इरादा क्या है? इरादा माय फुट, तुम्हारे बेटे ने मेरे नाक में दम कर रखा है। अच्छा कहाँ है वो? उसे मैंने मेरी मम्मी वाले बेडरूम में बंद करके रखा है। ओफ, रिंकू बंद करके रखा क्यों? क्योंकि उसने मेरे घर को चिड़िया घर बना दिया है। मतलब तुम चिड़िया हो? सॉरी सॉरी, मैं अभी उसकी खबर लेता हूँ। ए बिट्टो, तो बच्चा जाए जाए एक बार जो जाए जवानी फिर ना आए, जवानी फिर ना आए। रिंकू रिंकू डार्लिंग 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 प्लीज 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 आई अंडरस्टैंड, लेकिन प्लीज सिर्फ एक रात की तुम उसकी हरकतें बर्दाश्त करो प्लीज डार्लिंग। ठीक है, तुम्हारी खातिर मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ। ओके थैंक यू वेरी मच, आई लव यू। तुम्हारे बेटे ने फिर कुछ तोड़ा, मैं नहीं छोड़ूंगी। रिंकू रिंकू, ओ माय गॉड, प्लीज भगवान बिट्टू को बचाओ प्लीज। इतनी रात गए, कौन आ गया? पता नहीं कौन है, कौन है? वेलकम इन हनी। नो बिट्टू की रिपोर्ट कार्ड मेरे पास रह गई। अच्छा। तो मैंने सोचा कि कल तो तुम्हें इसे स्कूल लेकर जाना है। हाँ, हाँ। तो मैंने सोचा तुम्हें दे दूं। एंड डोंट वरी, मम्मी पापा को मैंने ट्रेन में बिठा दिया। okay. अच्छा किया ना तुमने, बहुत अच्छा किया। एक काम करो, वो प्रोग्रेस कार्ड मुझे दे दो, मैं बिट्टू को दे दूंगा। पर ये बताओ बिट्टू कहाँ है? बिट्टू नजर नहीं आ रहा मुझे। अरे वो तो ऊपर सो रहा है। सो रहा है? बुलाओ ना, बहुत मन कर रहा है देखने को। बिट्टू
क्यों चिल्ला रही हो डार्लिंग? मैंने कहा ना कि वो सो रहा है, सोने दो ना उसे। और इतनी क्या जल्दी है, दो दिन के बाद उसे मिला रही हो डार्लिंग? मैंने कहा ना कि वो सो रहा है, सोने दो ना उसे। और इतनी क्या जल्दी है, दो दिन के बाद उसे मिल लेना तुम। दो दिन बाद क्यों? इनफैक्ट मैं तो सोच रही थी रोहन कि जब तक पेस्ट कंट्रोल नहीं हो जाता मैं तो यही रहूंगी। क्या? नहीं नहीं, तुम जाओ यहां से। अरे कहाँ जाओ रोहन, इतनी रात हो गई है, हैव सम कंसंट्रेशन। अरे हाँ आया। ए, उड़ो उड़ो। क्या हुआ क्या हुआ? मतलब डार्लिंग डार्लिंग यहाँ पे मत बैठना, यहाँ पे मत बैठना कि क्योंकि वो रिंकू। अच्छा रहने तो रोहन, सब समझ के। क्या? पिछले दस सालों में तुम कभी मुझसे इतना नहीं डरे, लेकिन आज। अरे छोड़ो छोड़ो रितु, मैं रिंकू से डरता हूँ क्या? अच्छा आ तो नहीं रही? नहीं है, बिल्कुल नहीं डरता। लेकिन क्या है, जरा बात को समझा करो डार्लिंग। देखो उसने बिट्टू को रख लिया है, अगर उसने तुम्हें यहाँ देख लिया ना तो बिट्टू और तुम्हारे साथ साथ मुझे भी यहाँ से भगा देगी। इसलिए कह रहा हूँ प्लीज जाओ ना तुम यहाँ से। अपने बेटे को समझाओ। ओके ओके समझाता हूँ, अब तुम जाओ ना। अरे जाओ कहाँ? तुम एक काम करो, तुम उस वाले बेडरूम में जाओ। जाओ जाओ जल्दी, मेरा पर्स लेके जाओ जाओ। मैं अभी आता हूँ। जाओ तुम्हारे बेटे ने मेरा 2-in-1 गिरा दिया। 2-in-1 गिरा दिया? कोई बात नहीं डार्लिंग, होता है, बच्चा है वो। बच्चा नहीं, 2-in-1 है। 2-in-1 मतलब? उसमें अपने साथ साथ अपनी माँ के भी गुण समाए हुए हैं, वो भी उसकी तरह मेरे नाक में दम कर देती है। प्लीज मत बोलो डार्लिंग, वो सुन लेगी। कौन सुन लेगी? मतलब क्या है, किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई करना अच्छी बात नहीं है ना, कोई सुन लेगा तो। वो मेरे सामने आएगी ना तो मैं उसे हर एक चीज के पैसे वसूलूंगी जो उसके बेटे ने तोड़ी है। बेटे को जरा सा भी डिसिप्लिन नहीं सिखाया। आई नो गॉड, पता है क्या करती रहती है डायन। डायन तू, तेरी माँ आवाज कैसे आ रही है अंदर से? अंदर से मतलब तुम्हारे अंदर से, मतलब ये तुम्हारी अंदर की आवाज डाली अंदर से। तुम्हारे बेटे की वजह से मेरा दिमाग फिर गया है, मैं सोने जा रही हूँ। ओके सो जाओ और मुझे भी सोने दो प्लीज। रिंकू नहीं, रिंकू रिंकू आज तुम सो नहीं सकती। क्यों? मतलब इतनी जल्दी नहीं सो सकती, जल्दी क्यों सो रही हो इतनी? तो फिर मैं क्या करूँ रोहन? क्या करूँ? हाँ हाँ तो तुम मेरे लिए कुछ बनाओ। नहीं मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं बनाऊंगी। क्यों? तुम्हें याद है आज तुमने बिट्टू से क्या कहा था? क्या? ओह डार्लिंग, वो तो मजाक कर रहा था, I didn't mean that। अब कौन आ गया? डार्लिंग देखो तुम मेरे लिए कॉफी बना, मैं दरवाजा खोलता हूँ। ओके एक दो दिन में मेरी मम्मी आने वाली है, फिर मैं तुम्हारी खबर लेती हूँ। ओके ओके अभी तो कॉफी बनाओ। कौन आ गया? अरे अरे टुटुन, तू अपने घर में पेस्ट कंट्रोल करवा रहा है? अरे उसे छोड़ टुटुन, तू बिल्कुल सही वक्त पे पहुंचा है क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम? हाँ सुन ना, रिंकू के अनजाने में रितु यहाँ पहुंच गई है यार। यहाँ? हाँ। अरे तू कहाँ जा रहा है? सुन ना, रितु पूना में नहीं जाने वाली थी? वो नहीं गई ना। तो इस वक्त कहाँ है वो? जहाँ उसे नहीं होना चाहिए, मतलब रिंकू के बेडरूम में। ओके बाय। अरे यार कहाँ जा रहा है तू, मेरी मदद कर रहा तू? अरे अगर मैंने तेरी मदद की तो मेरी मदद कौन करेगा? कमाल है यार, कैसा दोस्त है तू, एक दोस्त दोस्त की नहीं मदद कर सकता। तुझे मरवाने के लिए मैं ही मिलता हूँ, और दोस्त नहीं है तेरे? तू बकवास बंद करेगा। अच्छा ठीक है। हाँ। बोल क्या करना है? देख मैं काम करता हूँ, मैं रितु को रिंकू के बेडरूम से बाहर निकालता हूँ, लेकिन तब तक तू किचन में जाकर रिंकू को किसी चीज में एंगेज करके रखना। ओके ओके ठीक है। ओए किचन यहाँ है। रिंकू। हाँ रितु। हाय डार्लिंग, लगता है तुम घर जा रही हो, लेकिन दरवाजा यहाँ नहीं है, वहाँ है। चलो मैं तुम्हें दरवाजे तक छोड़ आता हूँ। चलो कोई जरूरत नहीं है, मैंने डिसाइड किया है अब मैं यहीं रहूंगी। अरे नहीं ऐसा मत करना, मुझे मरवाओगी डार्लिंग। देखो मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे बिट्टू के पास जाना है राइट नाउ। ओके चिल्लाओ मत, मैं बिट्टू के पास जा रहा है ना। यस ठीक है, मैं तुम्हें उसके पास ले चलता हूँ। चलो चलो अब इधर। रोहन किससे बात कर रहा है, मैं जरा देख के आती हूँ। कोई नहीं है बाहर, हॉल में रोहन के साथ कोई नहीं है। तुम तो चिल्ला क्यों रहे हो? चिल्ला कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ कि बाहर हॉल में रोहन के साथ कोई नहीं है। ओके ओके हॉल में चलते हैं और रोहन को भी कॉफी पिलाते हैं। हाँ, हम हॉल में आ रहे हैं, रोहन को कॉफी पिला दे। रितु मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज अब तो इस कमरे से बाहर कहीं मत जाना। मैं जा सकता हूँ ना? तुम तो बिल्कुल नहीं जाओगे। क्यों क्यों क्या क्यों? तुम्हारी वाहियात हरकतों से मम्मी की नाक कटवा दी तुमने। मतलब मम्मी आपकी ये कटी हुई नाक है? इतनी चपड़ चपड़ करता ना तू। रोहन अब मेरे सोने का बंदोबस्त कर। हाँ। वाह यार तुमने मेरी नींद उड़ा दी है, और कह रही हो तुम्हारे सोने का मैं बंदोबस्त करूं? रोहन कहाँ है? मैं आती हूँ। अरे बैठो ना, थोड़ी देर उसको अंदर रहने दो। लेकिन वो अंदर कर क्या रहा है, देख तो लूं। इतनी जल्दी क्या है, थोड़ी देर बैठो ना मेरे पास। टूटू ये क्या बदतमीजी है,
कुछ नहीं, मैं तुम्हारे साथ थोड़ी देर बैठकर कॉफी पीना चाहूंगा। तो फिर बार बार मेरा हाथ क्यों पकड़ रहे हो? तुम बार बार खड़ी क्यों हो रही हो? मेरा घर है, मैं 100 बार उठूं 100 बार बैठूं, तुम कौन होते हो रोकने वाले? पॉइंट राइट। रोहन, 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 अरे टिटुन तुम अभी तक यही हो? रोहन, टिटुन को किसी डॉक्टर के पास ले जाओ, इसका दिमाग फिर गया है। तो मुझे भी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा डार्लिंग। नहीं, तुम यही बैठो, अपनी बीवी को अपने हाथ में रखो, मैं जा रहा हूँ। नहीं तुम रुको यार, फिर कभी ऐसे टपोरे लोगों से दोस्ती मत करना। क्यों डार्लिंग, क्या क्या उसने बार बार मेरा हाथ पकड़ के अपने पास बैठा रहा था? क्या गॉड, कल मैं मुन्नू से इसकी शिकायत करने वाली हूँ। नहीं 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 डार्लिंग, डार्लिंग छोड़ दो ना, दोस्त है अपना, हो जाता है, मैं उसे समझाऊंगा। या इट्स ओके, चलो हम जाके सो जाते हैं। चलो ना, चलो 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 चलो। मैंने अभी भी उस डायन को देखा। क्या बक रहे हो डार्लिंग, तुम्हारी मम्मी को तुम यहाँ कैसे देख सकती हो? मम्मी नहीं, तुम्हारी पहली बीवी। अरे मैंने कब कहा कि तुम्हारी मम्मी मेरी पहली बीवी है? और मैं तुम्हारी पहली बीवी रितु के बारे में बात कर रही हूँ। क्या रितु यहाँ? नहीं नहीं, कैसी बात कर रही हो डार्लिंग, रितु यहाँ कैसे आ सकती है? और तुमने हाँ कोई भयानक सपना देखा होगा। तुम सो जाओ, मुझे बताओ कैसे आ सकती है डार्लिंग। तुम सो जाओ, हाँ सो जाओ, सो जाओ, आराम से सो जाओ, ओके। नहीं 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 रितु यहाँ हो ही नहीं सकती ना, तुमने सपना देखा मैंने बोला ना, सो जा सो जा सो जाओ, जल्दी सो जाओ। चलो मैं तुम्हें गाना गा के सुनाता हूँ, सो जा राजू। प्लीज 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 गाना मत गाओ, मैं सो जाती हूँ। रितु, अरे क्या कर रही थी, अपना कमरा छोड़ के रिंकू के कमरे में क्यों आई थी तुम? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, मैं कितना जेलस फील कर रही थी। ओफो, वो ठीक है, प्लीज अपने कमरे में जाओ वरना बाहर की सर्दी फील करनी पड़ेगी तुम्हें। रोहन, हाँ? एक बात पूछूं? बोलो। तुम मेरे कमरे में नहीं रह सकते क्या? क्या आई मीन, तुम बिट्टू के कमरे में नहीं रह सकते क्या? यार आहिस्ते बोलो, तुम तो मरवाओगी। प्लीज यार जाके सो जाओ ना ऊपर। नहीं बस। अरे डार्लिंग प्लीज जाओ ना। नहीं बोला ना डार्लिंग, तुम्हें मेरी कसम? नहीं नहीं नहीं, तुम्हें तुम्हारी कसम। ओके गुड नाइट। गुड नाइट। बच गया, अभी नहीं रिंकू। रितु से, मतलब रितु से बात नहीं कर रहा था मैं तो किसी से बात नहीं कर रहा था। डार्लिंग लगता है तुमने कोई सपना देखा। डार्लिंग आज तुम्हें हो क्या गया है कि तुम्हें सपने देख रही हो तुम? आर यू ऑलराइट? आई एम फाइन। ओके, अरे अब कौन आ गया? मैं देखती हूँ। ओके मम्मा, मम्मी कैसी है? आइए। हाय सौतेली सासू माँ। क्या अब दूसरी बीवी की माँ को और क्या कहते हैं? तुम्हारा हस्बैंड अभी तक नहीं सुधरा। मम्मा आप तो 2 दिन बाद आने वाली थी ना? अरे हाँ, लेकिन घर में पेंटिंग का काम निकला ना, तो मैंने सोचा 2 रोज पहले आके तुम्हारे साथ रह लूंगी मैं। ओके तो जाइए रिंकू के बेडरूम में सो जाइए। रिंकू के कमरे में क्यों, मैं तो अपने कमरे में जा रही हूँ। आज आप अपनी बेटी के साथ ही सोएंगी? मम्मी को अपने कमरे में जाने दो ना। ओके ओके जाने दो डार्लिंग, लेकिन कल सुबह मुझे ये मत कहना कि बिट्टू ने मेरी मम्मी को कितना परेशान किया। बिट्टू? हाँ वो यहाँ रहने के लिए आया है। तब तो मैं तुम्हारे कमरे में ठीक हूँ। रोहन, अरे आप लोग यहाँ कैसे? अरे भाई हमारी ट्रेन थाने के पास जाके कैंसिल हो गई। तो हमने सोचा हम रितु के साथ रहते हैं। काइंड इन्फॉर्मेशन, रितु का नहीं रिंकू का घर है। हाँ मुझे पता है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि रितु रहने आई है यहाँ। अब व्हाट, रितु यहाँ? कैसी बात कर रही है, रितु यहाँ कैसे आ सकती है? रितु, रितु बेटा कहाँ हो तुम? अरे जब रितु यहाँ है नहीं, आप उसे क्यों बुला रही है? मम्मी, तुमने तो कहा था कि ये मेरे सपने में आई थी। अरे मम्मी डैडी, व्हाट अ सरप्राइज, आप लोग कैसे? बेटा
तो हमारी ट्रेन कैंसिल हो गई। तो आपको कोई धर्मशाला नहीं मिली? अरे वही तो है। मेरी रिंकू का घर तुम्हें धर्मशाला लगता है? अरे धर्मशाला है इसीलिए तो तुम यहाँ पड़ी रहती हो। रिंकू देखो तो माइंड योर लैंग्वेज। अगर आपने मेरी मम्मी के बारे में और कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? एक्सक्यूज मी, वैसे भी तुमसे बुरा कोई हो ही नहीं सकता। प्लीज बोथ ऑफ यू, आई टेक चार्ज ऑफ द होल सिचुएशन। सॉरी, देखो मैं प्रॉब्लम अभी सॉल्व करता हूँ। सौतेली सासू माँ, आप रिंकू के कमरे में जाइए। सासू माँ, आप ऊपर जाइए, मतलब बिट्टू के कमरे में ऊपर है कमरा, और रिटू तुम रिंकू के कमरे में जाओ। मेरे कमरे में? संभालो ना डार्लिंग, एक ही रात का सवाल है। एक्सक्यूज मी, कोई जरूरत नहीं संभालने की। मैं इसके कमरे में नहीं सोऊंगी, मैं बिट्टू के पास सोऊंगी। गुड नाइट। ओके ओके, जाओ। मैं किस कमरे में जाऊँ? आप कहीं कहीं भी जाइए आप। इसलिए तो भेजा। अरे सुनिए तो मेरी बात तो सुनिए आप। देखो ना, तुम्हारा ससुर मेरे कमरे में। क्या कर रहे थे तुम? मैंने कुछ नहीं किया है। वैसे भी एक रात का तो सवाल है। तुम्हारे सवाल का जवाब मैं देती हूँ, आओ मेरे साथ। मेरी बात तो सुनो, मैंने कुछ नहीं किया। मम्मा मम्मा आप जाइए। हाँ जाइए, आराम से सो जाइए। अब आपको डिस्टर्ब करने कोई नहीं आएगा। कोई नहीं आएगा? पक्का? पक्का पक्का। जाइए, गुड नाइट। रोहन, जैसे ही सुबह होती है इन सबको यहाँ से क्लियर करो और पेस्ट कंट्रोल वालों को फोन करो। क्यों डालें? क्योंकि इन सब के जाने के बाद मुझे अपने घर की पेस्ट कंट्रोल करवानी है। ओके, तो तब मैं दो दिन के लिए रितु के यहाँ चला जाऊंगा। What?